नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शून्यम और आज मैं बात करने वाला हूं इजिप्ट की ममी के बारे में। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि इजिप्ट में सम्राट की मृत्यु के पश्चात उसकी ममी बना दी जाती थी, परंतु ममी बनाए जाने के कारण के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, पूरी बात शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हमें कोई चोट लगती है तो हमें चक्कर आने लगते हैं, और यदि ज़्यादा बड़ी चोट लग जाए तो हम बेहोश भी हो जाते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि हम सिर्फ एक लिमिट तक ही दर्द को बर्दाश्त कर पाते हैं, और यदि उससे ज़्यादा दर्द होता है तो हम बेहोशी में चले जाते हैं। दोस्तों, मृत्यु में भी कुछ ऐसा ही होता है। मृत्यु में जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो असहनीय दर्द होता है जिसे शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोशी में चला जाता है। मृत्यु बेहोशी में होने के कारण आत्मा शरीर से बाहर आने के बाद भी अपने शरीर को महसूस करती रहती है और उस स्थान को छोड़कर नहीं जाती। इसीलिए सभी धर्मों ने मृत्यु के बाद शरीर को नष्ट करने की व्यवस्था की है। ज़्यादातर धर्मों में शरीर को जमीन के अंदर दफन करते हैं, और कुछ धर्मों में तो शरीर को जल्दी गलाने के लिए नमक का भी इस्तेमाल किया जाता है। पारसी धर्म में तो मृत्यु के बाद शरीर को खुले स्थान में छोड़ देते हैं और परभक्षी पक्षी शरीर को खा जाते हैं। शरीर को नष्ट करने की सबसे सुगम और शीघ्रगामी व्यवस्था हिंदू धर्म में की गई है। हिंदू धर्म में शरीर को जला दिया जाता है, जिससे आत्मा को शरीर का अनुभव समाप्त हो जाता है और वो नए जन्म के लिए नए शरीर की तलाश शुरू कर देती है। दोस्तों, यदि आत्मा को शरीर के आसपास ही रखना हो तो हमें शरीर को सही सलामत बचा के रखना होगा, जैसा कि इजिप्ट में किया जाता था। सम्राटों की मृत्यु के बाद शरीर को केमिकल के सहारे सुरक्षित रखा जाता था। इन सुरक्षित रखे गए शरीरों को ही ममी कहते हैं, और इस ममी को एक त्रिकोण के आकार के भवन में रखा जाता था, जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। इन पिरामिडों का आकार इस प्रकार बनाया जाता था कि ममी पर बाहर के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, पिरामिड की बात मैं किसी और वीडियो में करूंगा, आज हम अपना पूरा फोकस ममी के ऊपर ही रखेंगे। शरीर को इस आशा में सुरक्षित रखा जाता था कि कभी न कभी सम्राट को पुनर्जीवन मिल सकेगा। दोस्तों, 8000 साल पुराने शरीर आज भी इजिप्ट के पिरामिडों में सुरक्षित रखे हुए हैं। जिस सम्राट को मृत्यु के बाद ममी के रूप में सुरक्षित रखा जाता था, उनकी पत्नियों को भी जिंदा साथ में दफन कर दिया जाता था। सम्राट को जिन चीजों से सबसे ज्यादा प्रेम होता था, उन सभी चीजों को ममी के साथ रख देते थे, ताकि आत्मा का शरीर के प्रति मोह गहरा बना रहे, और जब सम्राट पुनर्जीवन पाए तो अपनी सबसे प्रिय वस्तुओं को अपने पास पाए। दोस्तों, इस बात की बहुत संभावना है कि जिन सम्राटों की ममी बनाई गई हैं, उनका आज तक पुनर्जन्म न हो पाया हो और उनकी आत्माएं अपने शरीर के आसपास भटक रही हों। तो दोस्तों, ये था इजिप्ट की ममी का पूरा सच। यदि आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।